माधपुर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह 4:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में दिग्गज नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि अवध डिपो की रोडवेज बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी कि तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर झरना नाले में बस अनियंत्रित होकर जा गिरी। हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए बस हादसे से आहत हुए उन परिवारों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग तेजी से ठीक हो जाएं। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। वहीं घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा, यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु के दुखद समाचार से मैं व्यथित हूँ। दुर्घटना के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने बात की है। उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह को दुर्घटना स्थल पर भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट के जरिए भीषण हादसे पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे आगरा में हुई सड़क दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मृतकों के परिजनों के 50 लाख तक के मुआवजे देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई रोडवेज बस सड़क दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा हूं। सरकार मृतकों के आश्रितों को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दे। अब जरा एक घायल से ही सुन लीजिए कैसे हुआ था ये दर्दनाक हादसा। किस समय हुआ था, क्या जानकारी है? ये सुबह के 4:30 बज रहा था जी। सब लगभग सो रहे थे। वो अचानक से बस जो है पुल से नीचे गिरी और जब नाले में गिरी तब जाके आंखें खुली। जब आँख खुली तो उसके बाद फिर शीशे वीशे टूट गए थे, साइड के शीशे टूटे। कुछ में मुक्का मार के फिर तोड़ा गया था शीशे। उसमें से 3-4 लोग हम लोग बाहर निकले और फिर उसके बाद आवाज़ लगाई तो वहाँ पे आसपास के लोग सब इकट्ठा हुए। थोड़े जो लोकल लोग थे वो इकट्ठा हुए, फिर वो पुलिस को बुलाया, हेल्प किए। फिर उन लोगों ने भी कई लोगों को बाहर निकाला। फिर वहाँ थोड़ी देर में ही पुलिस पहुँच गई और एम्बुलेंस वगैरह आ गई सबको लेके। फिर किस वजह से हादसा हुआ, क्या मानते हैं, ड्राइवर की गलती थी क्या? जी ड्राइवर की ही गलती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे में ना किसी से गाड़ी लड़ी है ना कुछ। वो साफ साफ पुल से नीचे गिरी है और ऐसे तो साइड में डिवाइडर रहते ही हैं इतने बड़े बड़े, तभी भी वो गाड़ी नीचे गिर गए। इस पर ड्राइवर की गलती है, हो सकता है उसकी आंख लग गई हो। इस हादसे में 29 लोगों की जान गई और करीब दर्जन भर लोग घायल हो चुके हैं जिनका इलाज जारी है। डिप्टी सीएम भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि सीएम योगी ने घटना की जांच के लिए टीम के गठन का आदेश जारी किया है और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। जैसे पता चला उन्होंने जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उसको सतर्क किया और तत्काल घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग पहुंच गए। राहत का कार्य हुआ। यहां पर 29 कैजुअलिटीज हुई हैं, साथ में एसएन मेडिकल कॉलेज में 10 लोग, कृष्णा मेडिकल कॉलेज में 8 लोग और 5 लोग चौहान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। जो घायल हैं उनका समुचित इलाज पूरी तरीके से सरकार उसका खर्च वहन कर रही है और पूरे जो जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो सीएमओ हैं, जो जिलाधिकारी और उनके प्रशासन के लोग हैं, उनको प्रत्येक हॉस्पिटल में देखरेख के लिए कहा गया है। अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको शिफ्ट करने की, अगर यहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं तो जो और हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली या लखनऊ में वहाँ भी व्यवस्था है। हालाँकि आगरा में समुचित इलाज की पूरी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर किया गया है, जिसमें मंडल आयुक्त आगरा मंडल, आईजी जोन आगरा और जो यूपीएसआरटीसी के एमडी हैं,
धीरज साहू जी वो इसके मेंबर हैं। तीनों की कमेटी यहाँ पर 24 घंटे के अंदर जांच करेगी, कारण क्या थे और क्यों ये घटना घटी, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इस प्रकार के उपायों पर भी विचार होगा और अपनी ये रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर ये हमारी उच्च स्तरीय जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट चालक पुराना था और चालक के पूरे रिकॉर्ड में कभी उससे कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। अभी जांच हो रही है, जांच के बाद ये सारी चीजें पता चलेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और सांसद राजकुमार चाहर भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। देखिए अब मैं अभी इन सब चीज़ों पर लापरवाही और ये क्या है इस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं, 24 घंटे में रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, उस पर वह सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन मैं घटना स्थल पर भी मैं होते हुए आया हूँ, बहुत ही हृदय विदारक बहुत ही दर्दनाक घटना है और उसका अंदाज़ा वहाँ पर देख के ही लगाया जा सकता था कि कितनी भयानक घटना यह रही होगी और सुबह 4:30 बजे हुई है। तो इसमें जो भी विषय हैं वो तो जाँच के बाद ही आएंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो घायल हैं वो जल्दी से रिकवर हों ऐसे ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं और जिनकी जान गई है ऐसे सभी शोक संतृप्त परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं और ईश्वर उनको शक्ति दे इस घड़ी। पंकज जी ये बात ठीक है कि जांच के आदेश हो गए और स्वास्थ्य बेहतर इलाज हो उसके लिए भी आदेश हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसों लगातार हो रहे हैं एक्सप्रेस वे पर इस पर सरकार क्या कर रही है, लगातार हादसे होते हैं आए दिन। देखिए इस पर मैंने कहा कि आज ऐसी घड़ी में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, हमारे डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री वो दोनों लोग भी आ रहे हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना है, 29 जो सवारियां थी उनकी मृत्यु हुई है, 23 लोग घायल हैं, घायलों को समुचित इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भेजा गया है, जो ज़्यादा गंभीर है उनको SN अस्पताल भी भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच की घोषणा भी की है कि 24 घंटे में इसकी जांच परिवहन के कमिश्नर और कमिश्नर आगरा IG ये करेंगे कि घटना का कारण क्या था। इस समूची घटना के बारे में क्योंकि मैं सुबह 6:30 घटनास्थल पर पहुँच गया था और स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी SSP मौके पर मौजूद थे, प्रशासन ने बहुत ही तत्परता से इसमें काम किया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जो मृतक थे उनको भी उसमें से निकाला। अभी प्रथम दृष्टया तो कह नहीं सकते कि घटना कैसे घटी होगी, लगता है कि नींद आई होगी ऐसा लगता है, बाकी की तो जांच का विषय है जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है। इस समूची घटना के बारे में मैंने क्योंकि ये लखनऊ से बस चली थी और दिल्ली जा रही थी, अवध डिपो की बस है, तो मैंने माननीय रक्षा मंत्री जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से इस घटना से अवगत भी कराया और उन्होंने जिलाधिकारी आगरा से वार्ता भी की फ़ोन पर और दुख व्यक्त किया और घायलों को समुचित इलाज हो इसकी चिंता की। उनके बेटे पंकज सिंह जी भी आगरा पहुंच रहे हैं, डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी, परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव। घायलों और मृतकों के परिजनों को जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है, परिजन 0562226001 या फिर 1800180287 पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। प्रशासन की ओर से मृतकों की पहचान कर उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, साथ ही परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को दूसरे अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। घटने से जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसमें कृष्णा हॉस्पिटल में करीब 18 पेशेंट आए हैं, एक बच्चा भी था 19वां, लेकिन वो एडमिट नहीं है, उसको थोड़ी मोट खरोंच थी वो ठीक है। 18 में 9 ICU में थे और 9 जनरल वार्ड में थे, स्टेबल थे सब। 2 जो ICU में थे उसमें 2 सीरियस थे, उनको हमने SN मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में शिफ्ट करवा दिया है, बाकी 7 अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो भी रहेंगे और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी यहाँ पे 2 डॉक्टर मैंने छोड़ दिए जो कि उसका इनका इलाज करेंगे, जरूरत समझेंगे तो इनको SN मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बाकी लोगों को भी शिफ्ट करने की कोशिश। घायल हैं वो खतरे से बाहर हैं या अभी? उसमें अभी तक 2 थोड़ा सीरियस हैं जो वेंटिलेटर पर रखे गए हैं, वो SN मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हैं, बाकी 7 जो ICU में हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं 24 घंटे या 48 घंटे तक, अभी कुछ भी कहना मुश्किल। घटना की जाँच के लिए टीम का गठन हो चुका है, घटना स्थल पर जाँच भी जारी है, जाँच की रिपोर्ट 24 घंटे में मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी।
शासन प्रशासन की ओर से घायलों के परिवार को 2.5 लाख और मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर ये कोई पहला हादसा नहीं है। 2019 के मार्च से जून महीने के बीच 3 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 17 लोगों की जान गई और दर्जन भर लोग घायल हुए थे। आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट।